द्वारिका साहू अल्टोस टीम बेमेतरा से, और आप सभी को मैं ओरेगन 80 का शानदार रिजल्ट के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, ये मेरा खास मित्र है पन्नालाल साहू जी, जो पहले मेरा मित्र हुआ करते थे और आज भी मित्र के साथ साथ अल्टोस का डिस्ट्रीब्यूटर है, और इनको मैं अपने फसलों के लिए ओरेगन 80 दिया। और पन्नालाल जो है अपने फसलों में ओरेगन 80 पिछले समय गर्मी का जो धान रहता है उसमें ओरेगन 80 डाले, और उसका 25-30% ऊपर का जो हिस्सा था वो सूख चुका था। तो डालने के बाद क्या परिणाम आया, क्या रिजल्ट आया, उसको आप सभी को दिखाने से पहले मैं खेत को दिखाना चाहूँगा। ये है जिसमें हम लोग ओरेगन 80 डलवाए हैं, आप सब देख सकते हैं दोस्तों, इतना हरा भरा बेहतरीन है। और आपको बता दूँ, ये पिछले समय गर्मी का जो धान है उसी में डला हुआ है, अभी एक बार भी नहीं डाला, यानी पिछले समय जो डाला है उसका परिणाम अभी भी नजर आ रहा है। और बाजू का जो खेत है उसमें ओरेगन 80 नहीं डला है, उसको भी आप सब देख सकते हैं, एकदम पतला पतला है और कुपोषित जैसा है, सुमित सर की शब्दों में कुपोषित फसल दिख रहा है। और मैं पन्ना जी को अनुभव शेयर करने के लिए बोलूँगा। पन्ना जी, दोस्तों नमस्कार, मैं पन्ना साहू, जैसे कि बताए हैं द्वारका जी के द्वारा कि धान पिछले गर्मी की फसल में हम लोग ओरेगन 80 इस्तेमाल किए थे। पहले तो धान पूरी तरह से 30-40% सूख चुका था। अब सूखने के बाद वो हमारे पिताजी जो है, पिताजी बोल रहे थे, बोल दिए थे कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अब पूरी बर्बाद हो चुकी है फसल, तो अब इसमें कुछ नहीं करना है करके। तो मैंने सोचा कि अब चलो इतना किए हैं तो और कुछ कर देते हैं। इस प्रकार से करके ना मेरे को द्वारका, मेरे दोस्त जो हैं द्वारका की जी के माध्यम से मेरे को ये ओरेगन 80 के माध्यम से मेरे को पता चला ये दवाई, तो इसको मैं प्रयोग किया। उसके बाद एक बार डालने के बाद ये 3-4 दिन, द्वारका जी बोले थे कि 15 दिन में होगा, लेकिन ये 3-4 दिन में ही इतना शानदार रिजल्ट, 30-40% जो सूखा हुआ था वो पूरे हरे भरे हो गए, और हरे भरे होने के साथ साथ इसमें ऐसा पेड़ बना कि जिसमें कुछ भी होने का मतलब उम्मीद नहीं था, चांस ही नहीं था जिसमें कुछ भी होने का उम्मीद ही नहीं था, वो ऐसा ग्रोथ किया जिसमें 2.5 एकड़ में धान था वो 2.5 ड्रिप हो चुका। जबरदस्त, इतना मिरेकल रिजल्ट मिला कि क्या क्या कहें। हमारे मेरे पिताजी फुल एक्साइटेड हैं, और पिताजी और उसके साथ साथ पिताजी इस दवाई का इतना अच्छे से प्रमोशन कर रहे हैं, और गांव में 25-30 आदमी इस दवाई का यूज कर रहे हैं। सो थैंक यू दोस्तों।